हेलो गाइज, आज की इस वीडियो नए यूट्यूबर के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो नए यूट्यूबर इस वीडियो को आप जरूर देखना। आज की इस वीडियो में ऐसे गलती के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैक्सिमम नए यूट्यूबर इस गलती को करते हैं। मैं भी जब नए वेर में यहाँ पे यूट्यूब पर आया था, यूट्यूब पर वीडियो वगैरह बनाता था, तो मैं भी ये गलती को करता था। तो इसके वजह से आज मैं बहुत ज्यादा पछता रहा हूँ, वो गलती को मैंने भी किया हुई। इस गलती को नए यूट्यूबर जरूर करते हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन सा गलती है जो आपको कभी भी नहीं करना है। तो मैं आपको सबसे पहले वो गलती यहाँ पे आपको बता देता हूँ। उसके लिए मैं अपना पहले YT स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं अपना YT स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद यहाँ पे वीडियो वाले सेक्शन में चल जाता हूँ, व्यू मोर के ऑप्शन में। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट से सबसे जितने भी मैंने पहले मैं वीडियो वगैरह बनाता था तो वो कैसा था, उसमें मेरा क्या यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, वो मैक्सिमम नए यूट्यूबर जब यूट्यूब पे आता ही तो ऐसा ही करता है। उसके वजह से जो उसका बाद में इसे प्रॉब्लम आपको दिखने को मिलता है। यहाँ पे देख सकते हो, मुझे भी बाद में प्रॉब्लम ये देखने को मिला। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरे जितने भी वीडियो सभी पर कॉपीराइट क्लेम आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ गया है, इस भी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ गया, इस भी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ गया। जब भी मैं नए यूट्यूबर था तो यहाँ पे देख सकते हो, एक ईयर पहले का जो ये वीडियो अपलोड किया गया है, जब मुझे इतने एक्सपीरियंस नहीं था यूट्यूब के बारे में, उतना नहीं कुछ मालूम था, तो मैं यहाँ पे क्या करता था, वीडियो बना लेता था। उसके बाद में किसी का भी थंबनेल वगैरह, उस जिस भी रिलेटेड का मेरा यूट्यूब वीडियो रहता था उस रिलेटेड का मैं किसी का भी थंबनेल डाउनलोड कर लेता था और मैं अपने यूट्यूब वीडियो में लगा लेता था। यहाँ पे देख सकते हो, जितना भी सभी मैं थंबनेल वगैरह लगाया हूँ, ये सभी मैं खुद से नहीं बनाया हूँ। पहले मुझे उतना अच्छा सा थंबनेल नहीं बनाना आता था, तो इसीलिए मैं किसी और का थंबनेल डाउनलोड करके मैं अपने YouTube वीडियो में लगा लेता था। इसके वजह से देख सकते हो, सभी वीडियो पर मेरा जो कॉपीराइट क्लेम आ चुका है। मैं इस वीडियो में किसी का कुछ भी यूज नहीं किया हूँ, थंबनेल यहाँ पे खाली मैं इसका जो यूज किया हूँ दूसरे वीडियो का, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा YouTube वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ चुका है। मेरा जिस भी वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आया है, उस सारे वीडियो में मैं एक सॉन्ग को यूज किया, उसके वजह से भी मेरा वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आया है। वो मैं आपको पहले यहाँ पे वीडियो प्ले करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, सारे वीडियो पे मेरा कॉपीराइट क्लेम आया था। मैं आपको कोई भी एक वीडियो प्ले करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको प्ले करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, जो मैं बैकग्राउंड में म्यूजिक को यूज किया हूँ मैं अपने यूट्यूब वीडियो को बनाने के लिए, उस म्यूजिक पे भी यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम आया है। देख सकते हो, यहाँ पे म्यूजिक का जो लाइसेंस वगैरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्ट्राइक का, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, कभी भी किसी का जो सॉन्ग वगैरह यूज नहीं करना है, नहीं किसी का थंबनेल अपने यूट्यूब वीडियो में यूज करना है। क्या करते हैं नए यूट्यूबर, अपने यूट्यूब वीडियो को थंबनेल जब बनाना नहीं आता है तो किसी का भी थंबनेल यहाँ पे अपने यूट्यूब वीडियो में यूज कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, कभी भी किसी का थंबनेल नहीं यूज करना है, कभी भी किसी का जो सॉन्ग को यूज नहीं करना है। आपको जब सॉन्ग यूज करना है तो NCS करके यूट्यूब पे एक चैनल है जो फ्री में नो कॉपीराइट सॉन्ग देता है, तो उसे आप अपने यूट्यूब वीडियो में बैकग्राउंड में यूज कर सकते हो। तो जितने भी मेरे यूट्यूब वीडियो का जो यहाँ पे देख सकते हो कॉपीराइट क्लेम आया, तो इससे आपको क्या होगा, इसमें जितने भी आपको वॉच टाइम वगैरह मिलेंगे, इससे जितने भी आपको अर्निंग होगा, वो सभी आपको आपका जो काउंट नहीं होगा, जितने भी आपको वॉच टाइम व्यूज वगैरह मिले वो सभी काउंट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, कभी भी किसी का चीज यहाँ पे आपको यूज नहीं करना है। तो वीडियो ही थी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। चलिए दोस्तों, बाय।